प्रतिशत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दाल्व्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि
महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय।
श्री कामधेनु गौ माता की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। दो दिन से हरिशरणम, दो दिन से 46वें पद की चर्चा हम कर रहे हैं। सदा राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम, सकल सौभाग्य सुख खान जिए जान सठ, मान विश्वास बद वेद सारम। आज भी इसकी थोड़ी चर्चा हम करेंगे, फिर यथामति यथा समय आगे के प्रकरण की चर्चा करेंगे। पांच बार श्री राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु, ये पांच बार कहा गया। इसका अर्थ है कि बार बार अपने मन को सावधान करने के लिए अपनी इंद्रियों को सावधान करके परम पावन श्री नाम में समर्पित करने के लिए पांच बार कहा, राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु, पांच बार कहा। पांच बार कहने का प्रयोजन क्या है? जब श्रवण की वृत्ति चलायमान होने लग जाए श्रवण की वृत्ति का चलायमान होना क्या है? भगवत भागवत चर्चा छोड़कर श्री हरि और उनके प्यारे जन, उनकी चर्चा छोड़कर, पर निंदा पर चर्चा श्रवण में जब कान प्रवृत्त होने लग जाएं, तब समझना चाहिए कि हमारी कर्णेंद्रिय बहुत दुष्टता कर रही है, ये चलायमान हो रही है। तो जब हमारी कर्णेंद्रिय चलायमान होने लग जाए, श्रवण की वृत्ति चलायमान होने लग जाए, तब भगवान ने जो आश्वासन के वचन अपने शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए कहे हैं, उन वचनों का स्मरण करो और कान लगाकर नाम जपो। नाम जप में जो शिथिलता आ गई है वो समाप्त हो जाएगी। भगवान कितने दयामय हैं, कितने करुणामय हैं। विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। विश्वद्रोह का पाप जिसे लग गया है, वह भी भगवान की शरण में चला जाए, भगवान उसका भी त्याग नहीं करते। हमारा त्याग भला कैसे कर देंगे? कोटि विप्र बध लागई जाऊ, आयुहु शरण तजऊ नहीं ताऊ।
शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप मय तिन्हि बिलोकत हान। तो इत्यादि जो भगवान के वचन है शरणागतों की रक्षा के, उन वचनों का स्मरण करने से भजन पुष्ट होगा, हमारी निराशा समाप्त तो होगी, हमारे भीतर भी आशा बंधेगी कि चलो जब इतने पतितों का विमुखों का उद्धार श्री ठाकुर जी ने अपनी ओर से कृपा करुणा करके किया है तो हम भी उसी लाइन में लगे हैं, हमारी बारी भी अवश्य आवेगी, ये विश्वास हो जाएगा। ऐसा विश्वास हो जाए तो श्रवण की वृत्ति को ठीक करने के लिए कान लगाकर नाम जप करो। बहुत से नाम जापक लोग कहते हैं, नाम जपने वाले साधक कहते हैं कि महाराज क्रिया तो भजन की होती है, राम नाम जप या युगल नाम जप या महामंत्र का जप होता है, किंतु हमारी इंद्रियों की वृत्ति इधर उधर भटकती रहती है, मन की वृत्ति इधर उधर भटकती रहती है, मन नहीं लगता है, मन की एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो ये उसका साधन बताया जा रहा है कि यदि भजन में मन की एकाग्रता आप चाहते हो तो जिस किसी मंत्र का नाम का आप जप कर रहे हो उस जप का भीतर ही से आप श्रवण करने लग जाएं, आप सुनने लग जाएं उसको, आपका मन लगने लग जाएगा। अब जैसे कोई द्वादशाक्षर का जप कर रहा है, वासुदेव मंत्र का जप कर रहा है, तब हाथ में माला है, जिह्वा से उच्चारण हो रहा है, लेकिन जो हम जप कर रहे हैं मंत्र उसका यदि हम भीतर से श्रवण नहीं कर रहे हैं तो हमारी वृत्ति निश्चित इधर उधर भटकती रहेगी। और हम जप का श्रवण करेंगे तो वृत्ति एकाग्र हो जाएगी, अनुभव करके देख लो। अब नाम का श्रवण किया तो वृत्ति शांत हो गई, नाम जप में भी नाम का श्रवण करते हुए जब, श्रवण में उच्चारण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो मानसिक जप है उपांशु जप है उसमें उच्चारण तो इतना स्पष्ट होगा नहीं कि हमारे कान को सुनाई पड़े, लेकिन हम बिना होठ जिह्वा हिलाए भी कुछ पढ़ते हैं तो भीतर ही भीतर उसका उच्चारण होता कि नहीं, और उस उच्चारण का भीतर से श्रवण होता है कि नहीं। ऐसे ही हम चाहे मानसिक जप करें या उपांशु जप करें, हम जो कुछ जपें चाहे नाम जप करें अथवा मंत्र जप करें उसका हम श्रवण करते हुए जप करें। श्रवण करते हुए जप करने से श्रवण की वृत्ति चलायमान होना बंद हो जाएगी और हमारी एकाग्रता आ जाएगी। देखो इस कान पर सुरति लगा करके श्रवण करने से जो अनाहत नाद है उस अनाहत नाद का भी श्रवण होने लग जाता है, ब्रह्मनाद का श्रवण होने लग जाता है। इसलिए पहली बार राम जपू का अर्थ है यदि तुम्हारी श्रवणेंद्रिय चलायमान होने लग जाए तो कान लगा करके नाम जप करो। मान लो तुम्हारी त्वगिंद्रिय चलायमान हो रही है तो क्या करो, तो उसके लिए दूसरी बार कहा राम जपू। फिर नाम जपते समय भगवान के अतिशय दिव्य सुगंधित सुकोमल चरण से लेके मुखारविंद तक श्रीअंग का ध्यान करो और मन ही मन भगवान के चरणों का आलिंगन करो, स्पर्श करो। स्पर्श दो प्रकार से होता है, एक तो बाह्य क्रिया के रूप में स्पर्श होता है, एक मानसिक रूप से भी स्पर्श हो जाता है। कई बार आप कथा में बैठे हैं और कोई विशेष भाव वाली चीज आपने सुनी तो आप
भीतर से शहर उठते हैं कि नहीं, भर आते हैं भीतर से, रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाते हैं, क्या है? ये है उस कथा को छू लिया आपके अंतःकरण ने, कथा को छू लिया इसलिए आपके भीतर कंप स्वेद पुलक आदि भाव आपके भीतर प्रकट होने लगे। तो स्पर्श भीतर से भी होता है। भगवान के मंगलमय श्रीअंग का ध्यान करके मनरे परस हरि के चरण, भगवान के चरणों का स्पर्श करो तो आपकी स्पर्शेंद्रिय जो त्वगेंद्रिय है उसका चलायमान होना बंद हो जाएगा। मान लो आपकी दृगेंद्रिय चलायमान हो रही, दृगेंद्रिय जानते हैं ये आंख, दृक माने आंख, यदि हमारे नेत्र चलायमान हो रहे हों, जैसे हमने कान का चलायमान होना बताया ना, परनिंदा परचर्चा श्रवण में कान का प्रवृत्त होना, कथा श्रवण नाम श्रवण में कान का प्रवृत्त न होना, ये श्रवणेन्द्रिय के चलायमान होना। ऐसे ही मलमूत्र के भांडों को छूकर सुख का अनुभव करना, ये स्पर्शेंद्रिय का चलायमान होना है। इसके लिए भगवान के कोमल दिव्य श्रीअंग का ध्यान और मन ही मन उनके चरणों का आलिंगन, ये है। ऐसा करते हुए नाम जप करो तो आपकी श्रवणेन्द्रिय का चांचल्य समाप्त हो जाएगा, त्वगेन्द्रिय का। और एक इंद्रिय है नेत्र, ये आंख सबसे अधिक खतरनाक इंद्रिय है। कब किस पढ़े लिखे विद्वान को, पंडित को, ज्ञानवान को, तपस्वी को भी, योगी को भी, ज्ञानी को भी, ध्यानी को भी, किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर ये पटक देगी, किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर ये पटक देगी, कोई इसका ठिकाना नहीं इस आंख का। भारी से भारी पतन इसी के द्वारा होता है। संसार घुसता ही दो जगह से भीतर है, आंख से और कान से। भगवत चर्चा छोड़कर इधर उधर की दुनियादारी की बातें सुनी तो संसार भीतर घुस जाएगा। भगवान और भगवान के भक्तों को छेड़ के ऊटपटांग संसार के दृश्य देखे तो आंख के माध्यम से संसार भीतर घुस जाएगा। एक गृहस्थ साधक हैं, एक गृहस्थ साधक हैं और उन्होंने अनुमति मांगी हमसे, बोले महाराज जी यदि आप आज्ञा करें तो मैं जो मोबाइल है, कौन सा मोबाइल होता है जिसमें सब ऐसे छू करके चलता है और सब सब चीज़ उसमें दिख जाती है, क्या कहते हैं उसको, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन छू करके सब चलता है उसमें, ये बता रहे हैं ये कि स्मार्टफोन बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे व्यवहार के संचालन के लिए ये चीज जरूरी तो बहुत है, लेकिन आप यदि आज्ञा कर दें तो मैं ये फोन को तिलांजलि देना चाहता हूं। एक छोटा फोन जिसमें केवल आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके और सुना जा सके, बस वो फोन रख लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जब आप इस यंत्र का अत्यंत विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं, आपने अपने घर में भी टीवी नहीं रखी हुई है, समाचार पत्र घर में नहीं आता, घर में टीवी नहीं, रेडियो नहीं, और ये फोन आपके व्यवहार के लिए जरूरी है और आप उसका विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं, तो फिर आप इसे क्यों हटाना चाहते हैं? उन्होंने एक बड़ी विचित्र सुंदर बात कही, बोले इस फोन में बहुत से संदेश आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलता है ना, फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आता है,
फिर वो रहता उसको देखने का मन करता है, फिर कोई ऐसी चीज भी कई बार फोन चलाते समय दृष्टि पथ में आ जाती है, ध्यान में आ जाती है, उस दृश्य का दूषित प्रभाव जो चित्त पर पड़ जाता है उससे भजन में ध्यान में बहुत विक्षेप होता है। शुद्ध चीज का प्रभाव चित्त पर कम पड़ता है या बहुत देरी से पड़ता है, और कोई अशुद्ध चीज आ जाए तो उसका प्रभाव चित्त पर बहुत जल्दी पड़ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, हम सुकताल में थे, एक महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा, उनके पास लैपटॉप था, लैपटॉप होता ना, इतनी बड़ी मशीन होती है, पतली सी, इतनी पतली होती है, उसको खोलने से सब चलने लग जाता उसमें, और उन महात्मा का शरीर नहीं है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। हमसे उन्होंने कहा कि आप एक थैला भर के, बड़ा थैला भर के ग्रंथ लेकर आप चलते हैं, साथ वालों को भी इतना वजन उठाना पड़ता है, पुस्तकों का ही वजन रहता है, और फिर ये पोथी छूट गई, वो पोथी छूट गई, वो पोथी छूट गई, हमारे लैपटॉप में सब पोथियां भरी हैं, लोड हैं, सारा महाभारत, सब पुराण, सब कुछ इसी में लोड है, जो चाहते हैं तुरंत ऐसे ऐसे दबाया और सब इसी में देख लेते हैं। तो आपको कोई कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा चलाना सीखिए, सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, फिर आपको बहुत छुट्टी मिल जाएगी, ये मशीन रखो उसमें सब आ जाता है। आपको कोई चीज़ फोटो करना तो फोटो करके छोटे बड़े अक्षर भी इसमें हो जाएंगे, किसी को कुछ लिख के भेजना तो लिख के भेज भी सकते हैं। बड़ी महिमा सुनाई तो हमारे मन में आया कि चले हम देखें तो सही इस मशीन को, तो हम भी कुर्सी पर बैठ गए। तो वो उसको सेट कर रहे थे, सेट करते करते एक नग्न स्त्री का फोटो उसमें आ गया। उन्होंने लाया नहीं, बोले तो नेट पे तो रहता ही है, तमाम चीजें रहती हैं। एक नग्न स्त्री का फोटो आया, उसको देखकर हमें तो भारी लज्जा का अनुभव हुआ, हम उठ के खड़े हो गए और मैंने उनको कहा, उन महात्मा जी को कहा कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमने यहाँ से अपने मन को पूरी तरह हटा लिया है। क्यों? बोले कि इसमें ऐसे, बोले वो तो अपने ऊपर है, देखो चाहे मत देखो, अब हमारी ही बुद्धि बिगड़ जाए और हम अच्छी चीज देखने की बजाय बुरी चीज उसमें देखने लग जाएं, तो उस कुसंग से हमें कौन बचाएगा। वस्तु की उपलब्धता, विषय की उपलब्धता, विषय भोग की इच्छा को जागृत करने वाली है। जो विषय आपके सामने सर्वथा अनुपस्थित होगा, अथवा जिस विषय को आपने भोगा ही नहीं है, उस विषय को भोगने की वृत्ति ही आपके भीतर उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन विषय होगा तो उसको भोग की वृत्ति सामने जरूर आवेगी। तो उन महानुभाव ने कहा कि हम जो कुछ ऊटपटांग दृश्य अथवा ऊटपटांग चीजें आ जाती हैं ये स्मार्टफोन में, उसका जो दुष्प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है उससे भजन में बड़ा विक्षेप होता है, इसलिए हम आपसे अनुमति चाह रहे हैं हम उसको बंद कर दें। यद्यपि हमारा घाटा है, घाटा ये है कि अभी हम उस फोन में आपकी कथा भी सुन लेते, इस फोन में नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लब आदि के माध्यम से सुन लेंगे, लेकिन इस फोन को हम बंद करना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति, आयु भी बहुत अधिक नहीं, 35-40 वर्ष की, 42 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति स्मार्टफोन भी नहीं रखना चाहता है, हम साधु होकर, हम ब्राह्मण होकर, हम वक्ता होकर दिन रात इंटरनेट पर लगे हुए हैं, स्मार्टफोन पर लगे हुए हैं, ब्रह्मचारी विद्यार्थी मोबाइल में सिनेमा देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पाया है कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है। मानव जन्म का, मानव शरीर का एकमात्र प्रयोजन भगवत प्राप्ति है, दूसरा कोई प्रयोजन मनुष्य जन्म का नहीं है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है, लेकिन इस ओर हमारी वृत्ति ही नहीं है, हम फोन नहीं त्याग सकते हैं। ये आंख वाली इंद्री भी हमें पतन की ओर ले जाती। भक्तमाल में तो लिखा है, दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए। बिल्व मंगल जी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, और जब दोनों आंखें बिल्व मंगल जी ने फोड़ ली तो प्रियादास जी लिखते हैं, दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए, मानो दो भूत पीछे पड़े हुए थे, सूजा से दोनों आंख फोड़कर मानो दो भूतों से पिंड छुड़ा दिया। क्योंकि इन आंख रूपी भूतों ने ही चिंतामणि में आसक्त किया, और सब कुछ त्याग कर जब चले भगवान की ओर, वृंदावन की ओर, तो फिर एक रूप को देखकर ये आंख ही आसक्त हो गई। और कहां जा रहे थे बिहारी जी की ओर, कहां चले गए नरक की ओर। ये आंख ही हमें नरक ले जाने वाली है, आंख फोड़ ली उन्होंने। तो जब हमारी नेत्रेंद्रिय चलायमान होवे, तो नाम जप करते समय भगवान की करुणा भरी आंखों का ध्यान करो, अपने भीतर की आंखों से भगवान के नक्षिक स्वरूप का ध्यान करो, बस आपकी आंख की चंचलता चली जाएगी, चली ही नहीं जाएगी। जब मोहन बस गयो मेरे मन में, जब मनमोहन मन में बस जाएंगे, आंखों में बस जाएंगे, तो जित देखो तित श्याम मई है, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। आंख में जब श्री ठाकुर जी बस जाएंगे, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरत छिन न इत उत जात, मन में रहो नाहिन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। जब आंख में श्री बिहारी जी बस जाएंगे, तो जिधर आंख जाएगी वहां बिहारी जी ही दिखेंगे, दूसरा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए अपनी आंख की चंचलता को मिटाने का साधन है, नाम जपते समय आंख बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। मान लो आंख बंद करने का आपका अभ्यास न हो, तो जो भगवान की चित्र छवि आपको अत्यंत प्रिय लगती हो, उस एक छवि में अपने भाव को स्थिर कर दो, और जब जप करने बैठो, नाम जप करने बैठो, तो ऐसे स्थान पर उस छवि को विराजमान कर दो जिसमें शांत सावधान सीधे होकर बैठने पर आपको ज्यादा श्रम दृष्टि जमाने में न करना पड़े। जैसे सीधे इतने स्थान पर है तो सीधे दृष्टि जम जाएगी, तो उस भगवान के स्वरूप का छवि का ध्यान कर दर्शन करते हुए, चाहे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, जो स्वरूप आपके मन में बसे हों, वो स्वरूप अथवा कोई भी मनोहर भगवान की चित्र छवि, उसको सामने विराजमान करके ध्यान करो। हमने एक महात्मा को देखा, हाथ में माला है और ऐसे थोड़ा कपड़ा ढके हुए से थे, और एक सामने अलमारी में, एक छोटी अलमारी में चित्र रखा था, और आंख से उनके आंसू बह रहे थे। उनकी कि ये क्या देख रहे हैं जिससे इनको आंख में आंसू बह रहा है। तो निकट जाकर देखा तो एक चित्र छवि थी, उसमें रघुनाथ जी हनुमान जी को छाती से लगाए हुए हैं। तो हमारे तुरंत समझ में आ गया कि इस छवि का दर्शन करते करते इनको लगता है भगवान ने छाती से लगा रखा है, छाती से लगा रखा है। इसी भाव का स्मरण करते हुए इनकी ये दशा हो रही है। जब हमारी नाशिका संसारी गंध की ओर दौड़े, तो उस समय भगवान के चरण कमलों का मन ही मन ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए, भीतर की जो घ्राण इंद्रिय है, उससे भीतर विराजमान जो चरण कमल हैं, उनके मकरंद की सुगंध का आघ्राण करो। इससे तुम्हारे वो जो नाशिका है ना, वो भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध का अनुभव जब करने लग जाएगी,
तो संसार के किसी विषय में आपको फिर गंध का अनुभव नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि पांचों विषयों का निवारण करने के लिए रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पांचों विषयों से हमारी इंद्रियां हट करके हमारी पांचों इंद्रियां रूप, रूपक ग्राहक इंद्रिय नेत्र, रसक ग्राहक इंद्रिय जिह्वा, श्रवण ग्राहक इंद्रिय कर्ण, रूप रस गंध, गंधक ग्राहक इंद्रिय नाशिका, शब्द ग्राहक इंद्रिय कान, स्पर्श ग्राहक इंद्रिय त्वचा, ये सारी इंद्रियां भगवान का ही अनुभव करें, भगवान के रूप का अनुभव, भगवान के रस का अनुभव, भगवान के लीला का अनुभव, सब कुछ भगवदीय अनुभव हमें होवे और ये पांचों विषयों की निवृत्ति हो जाए, हमारी पंचेंद्रिय निर्विषय हो करके भगवान को ही अपना विषय मान करके उसमें निमज्जित हो जाएं। इसलिए इस पद में सदा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, ये पांच बार का है। एक और भाव है, इस शरीर में पांच प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान और उदान, ये पांच प्रकार के प्राण हैं और पांच प्रकार के उप प्राण हैं, एक एक प्राण के अधीन एक एक प्राण है तो उसको उप प्राण कहते हैं, तो कुल मिलाकर दश प्राण हैं। तो जब पंच प्राण नियंत्रित हो जाएंगे तो वे पंच उप प्राण भी अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए हमारा और ये प्राण, प्राण का नियंत्रित होना ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति के जागरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये प्राणायाम आदि साधन क्या है? प्राणायाम आदि जो साधन है ये अपने प्राण को नियंत्रित करने का जो साधन है इसी को प्राणायाम कहते हैं। महाराज जी, ठीक से नाम जप करने वाले को अलग से प्राणायाम आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक से नाम जप करने वाले का प्राणायाम आदि अपने आप आरंभ हो जाता है। उसका पूरा कुंभक रेचक सब अपने आप होने लग जाएगा। इसलिए हमारा प्राण अपान व्यान उदान समान देवदत्त कृकलास धनंजय नाग कूर्म, ये पांचों प्रकार के उपप्राण, पांचों प्रकार के प्राण, ये दशों प्राण हमारे नियंत्रित होकर के भजन में लग जाएं, इसके लिए पांच बार कहा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु। अथवा ऐसा समझें कि पांचों विषयों का नाश हो जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों का, हमारे वैकारिक जो विषय है उनका नाश हो जाए, तो एक एक विषय के नाश के लिए एक एक बार राम शब्द का प्रयोग, राम जपू, राम जपू, राम जपू, राम जपू। मूढ़ मन क्यों कहा? मन की पांच अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? वेदांत शास्त्र के अनुसार मन की पांच अवस्थाएं, कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं प्रवचन के क्रम में जो थोड़ी बड़ी बड़ी गंभीर तो हैं पर लिखने योग्य हैं। मन की पांच अवस्थाएं, मन जो है ना ये बड़ी महत्वपूर्ण इंद्रिय है, इंद्रिय है, मन भी इंद्रिय है। हाँ, मन अंतर इंद्रिय है, इसलिए अंतःकरण को भी इंद्रिय माना गया। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और चार अंतर इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतर इंद्रिय हैं, भीतरी इंद्रिय हैं, मन भी इंद्रिय है। मन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य के जीवन में।
मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का कारण मन और मोक्ष का कारण भी मन। श्रीमद् भागवत में एक महापुरुष तो ऐसा है महाराज जी, वो कहता है कि सुख या दुख का कारण मन के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। एक ब्राह्मण था, महाकाल भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैनी में रहने वाला एक ब्राह्मण था। धन का लोभ उस ब्राह्मण के भीतर सवार हो गया। एकदम खुली खुली बात है, साधु हो या ब्राह्मण, धन का लोभ मन में आ जाए, धन का लोभ सवार हो जाए, साधु के मन में, ब्राह्मण के मन में, अथवा किसी भी वर्ण में पैदा साधक के मन में जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है उसके मन में यदि धन का लोभ आ जाए और धन के प्रति महत्व बुद्धि आ जाए तो यह उस साधक के व्यक्ति के जीवन का, ब्राह्मण के साधु के जीवन का सबसे अधिक दुर्भाग्य का क्षण है। सर्वाधिक दुर्भाग्य का क्षण है। हमारे ध्यान में सदा यह बात बनी रहनी चाहिए कि भगवान नाम से ऊंची कोई संपत्ति नहीं है। और जब हम भगवान के शरणागत हैं, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों का भगवान पेट भरते हैं तो हम भगवान का शाम सवेरे भी थोड़ा बहुत स्मरण करते, क्या भगवान हमें भूखा मार देंगे? और यदि उनको भूखा मारने में ही प्रसन्नता है तो हम और अधिक प्रसन्नता है प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारा अपना तो कोई सुख है ही नहीं, हमारा अपना तो आग्रह है ही नहीं, आप जिसमें प्रसन्न हैं उसी में हम भी प्रसन्न हैं। और ये संभव नहीं है कि भगवदाश्रित जीव भूखा रह जाए। अपनी इच्छा से भले ही वो 5-7 दिन पानी पी के रह जाए, महीना भर व्रत कर ले, ये उसकी अपनी इच्छा राजी, ठाकुर जी की तरफ से भूखा नहीं। दादू दुनिया बाबरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का उपैली। एक बार पुरुषोत्तम मास्टर, ये साखी का अर्थ समझे आप नहीं समझे, संत दादू दयाल जी कहते हैं कि दुनिया बाबरी है, पागल है कि क्या खाएंगे क्या खाएंगे, इसलिए परेशान है। अरे तुम राम जी के भरोसे तो हो जाओ, तड़का पहली सवेरा पीछे होगा, तुम्हारी रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। ये ब्रज में तमाम महात्मा मधुकरी मांग के भजन करते हैं, एक पैसा की किसी की नौकरी नहीं करते, एक इंच धरती इन पे नहीं है खेती पाती की, कोई दुकान भी नहीं करते, और बोलो भूखे रहते हैं क्या? ब्रजवासियों के हृदय में प्रेरणा करके ठाकुर जी सबकी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवाः योसौ विश्वंभरो देवस्य भक्तान किमुपेक्षते। भोजन वस्त्र की चिंता साधक को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान विश्वंभर हैं वो अपने शरणागत भक्त की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस ब्राह्मण के मन में धन का लोभ सवार हो गया, और जब धन का लोभ सवार हो गया तो ब्राह्मण वृत्ति से तो उतना धन आता नहीं,
तब इसने ब्राह्मण वृत्ति छोड़ करके व्यापार करना शुरू किया। व्यापार में भी ब्याजखोरी का धंधा शुरू कर दिया। ब्याजखोरी जानते ना, ब्याज पर पैसा बांटना और फिर ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना लगा करके तो पैसा। व्यापार धंधा किया, खेती कर ली, व्यापार कर लिया, ब्याज पर पैसा बांटने लग गया, भूत की तरह दिन रात धन के पीछे लग गया। कंजूस इतना था कि ना तो अपने शरीर पर उसका उपयोग करता था और परिवार को भी उपयोग नहीं करने देता था। माने घर में नमक के लिए भी रोज रोज झगड़ा हो कि इतना नमक खर्च क्यों कर दिया, ऐसा कंजूस था। तो कमाने में लगा रहा, धन का उचित विनियोग किया नहीं। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि डकैती पड़ गई, चोर डकैत आ गए, कुछ धन तो डकैती में चला गया। घर वालों ने देखा कि डकैत तो इतना मुफ्त में ले गए इतना सोना चांदी, हम ही क्यों ना कुछ दबा लें रख लें। कुछ घर वालों ने चुरा लिया। राजा को पता चला कि चोर इतना ले गए और घर में इतना है, तो इसके यहाँ कितना है टैक्स, तो ये देता नहीं है। उन जमानों में राजा लोग ब्राह्मणों से टैक्स लेते नहीं थे। लेकिन जो ब्राह्मण अपनी वृत्ति का त्याग कर दे और अकूत धन इकट्ठा करे, महाभारत में लिखा है कि राजा का कर्तव्य उस ब्राह्मण का धन खजाने में जमा कर ले और अपने उपयोग में न ले, जो निर्धन ब्राह्मण है उनकी सेवा में उनको लगा दे, ऐसा लिखा हुआ। तो कुछ धन राजा ने छीन लिया। यो न ददाति न भुंगते तस् तृतीया गतिर भवती। धन की तीन ही गति हैं, दान, भोग और नाश। जो न किसी को देता है न भोगता है, तीसरी गति धन का नाश तो है ही, धन नष्ट हो गया इसका। जब धन नष्ट हो गया तो जब तक धन था तो घर के लोग बाबूजी बाबूजी करते थे, और धन नहीं रहा तो घर वालों ने धक्का दे के निकाल दिया इसको, पत्नी पुत्रों ने पीट के घर से निकाल दिया। अब उज्जैन का तीर्थ का ब्राह्मण कहां जाए बेचारा, बुढ़ापे में कहां जाए। जिसको कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, उसके लिए ठाकुर जी का दरबार है और संतों का दरबार है। तो छिप्रा नदी के किनारे एक महात्मा रहते थे, उन महात्मा के पास जाकर ब्राह्मण चला गया। बोले महाराज मैं तो मरना चाहता हूँ, बहुत दुखी हूँ, घर वालों ने मार पीट के निकाल दिया है, बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। अरे बोले कोई बात नहीं, रहो कुछ दिन रखा वहाँ, बाद में उसकी भावना जगी तो उसको साधु सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना दिया। और बनाने के बाद कहा कि देखो हम तुमको साधना बता रहे हैं, भीतर से बस राम 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 करते रहना, बोलना नहीं किसी से, कोई मारे पीटे गाली दे स्तुति करे बोलो मत, खाली बस राम राम भीतर से करते रहो। और ये भिक्षा पात्र है, जाकर के नगर में भिक्षा मांगो। क्योंकि भी महात्मा चाहते थे कि इतना बड़ा आदमी जब कटोरा लेके भिक्षा पात्र लेके घूमेगा तो इसका अहंकार कम होगा और इसका तिरस्कार होगा तो इसके पाप नष्ट होंगे, तब ये भगवान की ओर अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। उसके हित के लिए ही संत ने ये साधन बताया था। अब जैसे ही वो साधु वाले कपड़े पहन करके और भिक्षा पात्र लेकर जैसे ही उज्जैन नगरी में भीतर घुसा तो लोगों ने कहा रे रे आ गया, बड़ा दुष्ट है, बड़ा धूर्त है इसने, हमने इससे जरूरत पड़ने पर 100 रुपया लिए थे पर ब्याज वसूलते वसूलते 100 का 500 1000 ले लिया इसने। अरे हमने इससे उधार लिया था, जब हम नहीं चुका पाए तो हमारा खेत लिखा लिया इसने, हमारा मकान लिखा लिया। अब देखो बदमाश इतना बढ़िया महात्मा का भेष बना के आ गया है, दंड कमंडल लेके आया, मारो मारो इसको, ऐसा लोग कहते। क्यों, दुश्मनाई तो उससे थी ही तमाम लोगों की, लोग पीटने लग जाते। ध्यान से सुने बड़ी ऊंची कथा है महाराज, भागवत जी के 11वें स्कंध में ये कथा श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को सुना रहे हैं। मूत्रयन्ति स्म पापिष्ठा, दुष्ट लोग उसके भिक्षा पात्र में लघुशंका कर देते, उसके मुख पर अपान वायु विमुंचन कर देते, उसको पेड़ से बांध करके पीटने लग जाते, मारने लग जाते। लेकिन वो इतना पक्का गुरुनिष्ठ था
कि गुरुजी ने कह दिया था कि तुमको मार डालें पर तुम बोलना नहीं, एक तरफा सहन करने का निश्चय कर लो, कुछ भी हमारे साथ हो हमको सहन करना ये पक्का कर लो, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। सताने वाले भी सताते सताते थक गए, तीन तीन दिन तक बांध देते इसको पेड़ से, क्या बोले तो से वो बोलते ही नहीं, अरे छोड़ दो मर जाएगा, छोड़ो हटाओ जाने दो। कोई कहता दिन भर तो भीख मांगता, रात भर चोरी करता, कुछ लोग कहते अरे अभी भी ब्याज पर पैसा कहीं ना कहीं इसने लगाया होगा, तरह तरह की बातें लोग करते, लेकिन न वो किसी की बात पर ध्यान देता न उत्तर देता। इसी तितिक्षा धर्म का पालन करते करते उस ब्राह्मण को तत्व ज्ञान हो गया, और जब तत्व ज्ञान हो गया तो उस ब्राह्मण ने एक गीत गाया, इसका नाम है भिक्षु गीत। क्या नाम है? भिक्षु गीत। ये ब्राह्मण क्या बोल रहा है? बोले नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। क्या प्यारी बात। ब्राह्मण कहता है ये लोग मेरे संसार के जो लोग हैं ना, ये मेरे न सुख के कारण हैं ना ही दुख के कारण हैं। क्यों? बोले इसलिए नहीं कि जिन पंचभूतों से बना हुआ शरीर हमारा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ शरीर इन लोगों का है, तो पंचभूतों का पंचभूतों से क्या बैर। इसलिए ना हमारे सुख के कारण है ना हमारे दुख के कारण है। तो बोले देवता, तो कहते जो देवता हमारी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता बनकर प्रतिष्ठित हैं, वे ही देवता तो दूसरों को इंद्रिय गोलकों पर विद्यमान है, तो देवताओं का देवताओं से क्या विरोध। आत्मा, बोले आत्मा भी कारण नहीं है, जो आत्मा हमारे भीतर है वही आत्मा दूसरे के भीतर भी है, तो आत्मा आत्मा एक ही है, इनका विरोध क्या। ग्रह, बोले ये शुक्र शनि राहु केतु भी सुख दुख के कारण नहीं है। लोग कहते शनि की दशा से तुम्हारा ये काम बिगड़ रहा है, अब उनसे पूछो कि शनि का हमने कुछ बिगाड़ दिया है क्या, क्या झगड़ा है शनि से हमारा। हमारे कुछ पूर्व जन्मों के कर्म ही ऐसे थे, उनका परिणाम हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ तो निमित्त बने गई, चाहे बीमारी निमित्त बने चाहे कोई ग्रह निमित्त बन जाए। तो ज्योतिषी के पास जाओगे तो तुरंत यही बताएगा कि तुम्हारे राहु खराब हैं, तुम्हारे केतु खराब हैं, तुम्हारा शुक्र ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा शनिचर ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा मंगल की दशा बकरी हो गई है, कुछ न कुछ बताएगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ न कुछ बता ही देगा, एकदम स्वस्थ भी जाओगे तो भी कुछ न कुछ कमी तो बता देगा, शरीरम व्याधि मंदिरम। तो एक ग्रह भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म, बोले कर्म भी कारण नहीं है। काल, समय, बोले समय भी सुख दुख का कारण नहीं है। तब सुख दुख का कारण क्या है? बोले सुख दुख का कारण है मन। जिस वस्तु को हमारा मन अनुकूल रूप में स्वीकार करता है वह सुख बन जाता है, जिस वस्तु को हमारा मन प्रतिकूल रूप में स्वीकार करता है वह दुख हो जाता है। अब देखो हम भगवान की कृपा से किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, नशा नहीं करते हैं। अब वहां बैठ के कोई बीड़ी पीने लग जाए तो उस बीड़ी वाले को बीड़ी के धुआं का नशा भले ही ना आवे, लेकिन हम इतनी दूर बैठे हैं हमारे नाक में जैसी वो धुआं घुसेगा कि हमारे चक्कर आने लग जाएंगे। अभ्यास से पता नहीं, शुरू से कोई चीज ऐसी चली जाए तो सिर घूमने लग जाएगा, सिर चकराने लग जाएगा।
क्यों? हमने अपने मन के प्रतिकूल उसको मान रखा है, इसलिए हमको दुख होता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बीड़ी की आदत है और उसके पास बिंडल माचिस कुछ भी नहीं है, वो वहाँ नीचे काम कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई बीड़ी पी रहा है, तो उसको बदबू थोड़ी आएगी, ना उसका माथा घूमेगा, उसको आएगी कि अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, अरे लगता कोई हमारा जाति भाई साथी बैठा है वहाँ, बस वहाँ से लाख काम छोड़ के आएगा, बिना परिचय के परिचय निकाल के मीठी मीठी दो बात करेगा, फिर ऐसे हाथ करेगा, अरे वो माचिस कहाँ गिर गई हमारी, ए, बिंडल बिंडल भी नहीं है उसके पास, दोनों ना माचिस है ना बंडल है। तब वो कहेगा अरे माचिस बंडल लो हमारे पास है ना, एक और बीड़ी सुलगा के दे देगा। अब उसको बीड़ी मिल गई तो इतनी चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती मानो उसे भगवान की ही प्राप्ति हो गई। लो साहब, एक व्यक्ति तो नाक मुंह पर कपड़ा धर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है बीड़ी तमाकू वगैरह की गंध से, और एक व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है। ये क्या है? इसका मतलब है वस्तु में न सुख है न दुख है। मन ने उसके प्रतिकूल माना तो दुख हो गया, मन ने उसको अनुकूल माना, व्यसनी ने अनुकूल माना तो सुख हो गया। पानी बरस रहा है, जिस किसान की फसल सूख रही है, पानी की आवश्यकता है, उसका हृदय तो भर आया, जय हो राम जी, बड़ी दया करी, खूब बरसो प्रभु, खूब बरसो महाराज, बहुत अच्छी कृपा आपकी है, बहुत बरसिए, जल ही जीवन है। और जिस कुम्हार ने अभी अभी आवा लगाया है, मेहनत से बर्तन बनाए ठोक पीट के सुंदर, और अभी आवा लगाया और उमड़ घुमड़ करके मेघ आ गए, बादल गरजने लग गए, उस कुम्हार की छाती पर क्या बीतेगी? वो कहे हे भगवान, बरसना हो तो पल्ले गांव में जाके बरस जाओ, यहाँ मैंने आवा लगाया है, गरीब आदमी का ध्यान रखो महाराज है। तो अब देखो उस कुम्हार को दुख हो रहा है और जिस किसान को पानी की आवश्यकता उसे सुख हो रहा, क्रिया एक ही है पानी बरसने की, पर एक के अनुकूल है इसलिए वो सुखी है, दूसरे ने उसको प्रतिकूल मान रखा है वो दुखी है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करने वाला मन है, और मन जब मनमोहन से लग जाता है, मन जब मदन मोहन श्याम सुंदर में लग जाता है, मन जब राम जी में लग जाता है, तो फिर संसार का न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। इसलिए मन को बार बार विनय पत्रिका में गोस्वामी जी सावधान करते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें मन भगवान में लगाना चाहिए, और मान लो हमारा मन भगवान में नहीं लग पा रहा है तो हम क्या करें? तो हम जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनके मन के साथ अपने मन को मिला दें, तो उनके मन के साथ जब हम अपने मन को मिलाएंगे तो हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा, श्रृंखला संबंध से भगवान में लग जाएगा। हमारा मन भगवान में नहीं लगा है, पर हमारे सद्गुरुदेव भगवान का मन 16 आना भगवान में लगा हुआ है, हम अपने गुरुदेव भगवान के मन से मन मिला दें तो हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग जाएगा, सहज लग जाएगा। तो मन की 5 अवस्थाएं हैं, कौन कौन? एक अवस्था है क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र, और 5वीं है निरुद्ध। कितनी हो गई? फिर से गिनो, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 गतियां हैं मन की, 5 अवस्थाएं हैं मन की। जिस समय हमारा मन चंचल रहता है, जिस समय हमारा मन बहुत चंचल रहता है, उस समय की अवस्था को कहते हैं क्षिप्त। जिस समय हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों के अधीन हो जाता है, उस समय हमारा मन होता है मूढ़।
जिस समय मन चंचल होता उस समय चित्त, और जिस समय विषय से युक्त हो जाता है उस समय विकार युक्त जब मन हो जाता है तो मूड। और तीसरी स्थिति है विक्षिप्त की। चंचल होने के समय बीच बीच में कभी किसी एक बात पर मन स्थिर हो गया और थोड़ी देर तक रहा फिर वहां से हट गया, इस अवस्था को कहते विक्षिप्त, पागल। पागल क्या करते हैं, पागल को धुन सवार हो जाती है। देखा होगा कोई कोई धुन सवार हो जाती पागलों को, वो वही धुन सवार होगी तो वैसे तो इधर उधर चंचल मन रहेगा और जब थोड़े मन शांत होगा तो जो धुन सवार है उसी के अनुसार वो कुछ गालियां बकने लग जाएंगे या पत्थर फेंकने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। ये है विक्षिप्त, पागलपन की स्थिति, मन का विक्षिप्त हो जाना। और किसी भी एक वस्तु पर, तत्व पर, विषय पर मन एक एकाग्र मने एक जगह स्थित हो जाना, एकत्रित हो जाना, इसका नाम है मन की अवस्था, एकाग्रावस्था। अध्ययन के समय हमें मन अपना एकाग्र करना पड़ता है, यदि हम एकाग्र नहीं करेंगे तो रात भर पुस्तक लेकर आंख फोड़ते रहो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, और एकाग्र होकर के थोड़ा भी आप पढ़ लो तो आपको बढ़िया हो जाएगा। सामने वाली बात नहीं है, दीनबंधु दास जी पढ़ते तो हैं लेकिन थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो भी पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़ते हैं। कोई पुराण या कोई चीज देखें, किसी ग्रंथ का पारायण करें तो हमने ये अनुभव किया ये मन लगा के पढ़ते हैं। तो मन लगा के पढ़ते हैं, उससे लाभ ये होता है कि एक बार पढ़ने में ही वो विषय इनको प्रायः कंठस्थ जैसा हो जाता है। फिर हम पूछते हैं इस समय क्या पढ़ रहे, तो ये सुनाते तुरंत पूरी कथा सुना देते। अब ये कब होगा, जब तक आप एकाग्र होकर किसी विषय को नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका संस्कार चित्त पर नहीं होगा। यही बात विद्यार्थियों के लिए है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा हमें पढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं पढ़ पाए, और नहीं पढ़ पाए उसके लिए बहुत पश्चाताप भी नहीं, जितना हरि गुरु संतों की कृपा से है उतने में हम संतुष्ट हैं। लेकिन एक अनुभूति हम अपनी सामने रखना चाहते हैं, वो ये भगवत कृपा से, हरि गुरु संतों की कृपा से हमने अपने छात्रावस्था में जो कुछ भी पढ़ा हमें कभी ये बात मन में आई ही नहीं कि विषय कठिन है, ये नहीं समझ में आ रहा है या ये विषय कठिन है, हमको बिल्कुल ऐसा नहीं आया कि विषय कठिन है। प्रौढ़ ग्रंथ पढ़े या प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े, जो भी सुना और एक बार पढ़ते थे और एक बार आसन पर आकर उसको एक बार देख लेते, बस इतना, इतने से उसका संस्कार हो जाता था। कैसे ये कैसे होता है, ये होता है आप जितना भी पढ़ें उतना एकाग्र होकर के पढ़ें। एकाग्रता पूर्वक जो कुछ भी आप पढ़ो, आपको कोई चीज कठिन है ही नहीं। क्या कठिन है भाई, ना व्याकरण कठिन है, ना न्याय कठिन है, ना ज्योतिष कठिन है, कोई चीज कठिन नहीं है। हम उसमें अपना मन एकाग्र नहीं कर रहे हैं, हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यही कठिन है। हम ठीक से पढ़ नहीं रहे, यही कठिन है, कठिन कोई चीज नहीं। आप लोगों को जब गुरुजी ने वेद पढ़ाना शुरू किया तो आपको स्वर लगाना कितना कठिन लगता था, लगता था कठिन कि नहीं, उदात ऊपर ले जाओ, अनुदात नीचे ले जाओ, स्वरत बीच में आओ, यहाँ ऐसी उंगली निकलेगी, यहाँ ऐसी उंगली निकलेगी, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ये सब पहले आपको लगता था ना। हो सकता है कभी गुरुजी डांटते फटकारते भी हों, गलत स्वर लगाने पर कभी कृपा भी कर देते हों,
लेकिन अभी कल हमने देखा हमारे श्री भक्तमाली जी वेद विद्यालय के जो ब्रह्मचारी वटुक हैं, कल हमने रुद्राभिषेक किया था तो कल हमने देखा इतना बढ़िया अभिषेक में ये लोग सस्वर पाठ कर रहे थे, माने हम स्वर भी लगाते हुए देख रहे थे कि इतनी शीघ्रता में एकदम सुंदर व्यवस्थित मंत्रोच्चार करते हुए भी स्वर में प्रायः किसी की कोई माने अशुद्धि नहीं हो रही थी, सब एकदम ठीक से स्वर लगा करके वेद पाठ कर रहे थे। मन प्रसन्न हो गया कि चलो एक कार्य भगवत संकल्प से शुरू किया था, आज ये ठीक हो गया। कम से कम आज ठीक से स्वस्ति वाचन पढ़ने वाले ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन गौ माता की कृपा से ये इतने बटुक ब्रह्मचारी ये सब यहाँ से यजुर्वेद पूरा पढ़ करके निकलेंगे, व्याकरण पढ़ करके निकलेंगे, अपने अपने क्षेत्र में कितना भक्ति का धर्म का प्रचार इनके द्वारा होगा। तो सुंदर स्पष्ट सस्वर मंत्रोच्चार पढ़ करके सुन करके देख करके मन में प्रसन्नता हुई। अभी देखिए तो पहले आपको कठिन लग रहा था कि नहीं लग रहा था, फिर आपने मन लगाकर स्वर में श्रम किया अभ्यास किया तो अब नहीं लगता, अभी भी आपको और अधिक श्रम करना है, इतना श्रम करना है कि कम से कम आपकी अपनी शाखा का वेद पूरा का पूरा शुक्ल यजुर्वेद आप बिना ग्रंथ देखे ठीक से स्वर लगाकर उच्चारण कर सकें। ऐसा एक बहुत अच्छे वैदिक विद्वान थे पंडित श्री भागीरथ जी आचार्य, उन्होंने हमको एक बात बताई। उन्होंने हमको बताया कि हम वाराणसी में पढ़ते थे पंडित श्री ढूंढीराज जी के चरणों में, तो एक एक मंत्र का एक एक हजार बार अभ्यास करो, ऐसा वे कहते थे, एक मंत्र का एक हजार बार अभ्यास। और अभ्यास कब मानते थे वो, जब बिना पुस्तक देखे आप ठीक स्वर लगा लें मंत्र को, तब आप एक हजार बार उसका पाठ करो। तो वे कहते थे, हमने उनसे पूछा कि आप ग्रंथ तो देखते नहीं और तुरंत स्वर सब लगाने लग जाते, किसी भी मंत्र का स्वर लगाने लग जाते। उन्होंने कहा मैंने अपने बचपन में बनारस में जब पढ़ते थे तो एक एक मंत्र का एक एक हजार आवृत्ति करके अभ्यास किया हुआ है, तो मंत्र कान में पढ़ते ही स्मरण होते ही उसके स्वर नाचने लग जाते हैं कि कौन उदात्त है, कौन अनुदात्त है, कौन स्वरित है, कहाँ तुरंत हाथ कहाँ जाएगा। तो पहले कठिन लग रही थी, बाद में एकाग्रता अपने मन की हुई तो वो विषय सरल हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम एकाग्र चित्त होकर के जो कुछ भी साधन करेंगे वो आपके लिए सरल हो जाएगा, कठिन नहीं होगा। तो ये एकाग्र अवस्था जो है मन की श्रेष्ठ अवस्था है, भजन में, साधन में, पठन में, अध्ययन में एकाग्र अवस्था चाहिए। और मन की जो सर्वोच्च अवस्था है, मन की जो सबसे उच्च अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, उस अवस्था का नाम है निरुद्धावस्था। ये निरुद्धावस्था वाला मन सबसे श्रेष्ठ है। ये निरुद्धावस्था वाला जो मन है ना, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति का निरोध, इसका नाम है योग। हमारा मन जब एकदम शांत हो जाता है, डूब जाता है, गहरे में उतर जाता है, तो वो अवस्था है निरुद्ध अवस्था। और इसी अवस्था की जो सिद्धावस्था है उसी का नाम है समाधि। यहां श्री तुलसीदास जी महाराज किस मन को कह रहे हैं, क्षिप्त को कह रहे हैं कि विक्षिप्त को कह रहे हैं कि एकाग्र को कह रहे हैं कि निरुद्ध को कह रहे हैं, किस मन को कह रहे हैं? मूढ़ मन। किस मन को संबोधित कर रहे हैं? मूढ़ मन। मूढ़ मन की परिभाषा भी बताई थी, क्या है मूढ़ मन की परिभाषा? विषयोन्मुख मन,
कामक क्रोधादि विकारों से भरा हुआ जो मन है वो मूढ़ मन है। विकार युक्त मन को मूढ़ मन कहते हैं। षड विकारों से भरा हुआ जो मन है वो मूढ़ मन है। इसलिए इस मूढ़ मन को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि इस मूढ़ मन को निर्विकार बनाना चाहते हैं। सदा राम जपु मूढ़ मन बार बारम। ये नाम कैसा है? सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान सठ मान विश्वास वेद वेद सारम। मान विश्वास वद वेद सारम। ये संपूर्ण सौभाग्य और सुख, संपूर्ण सौभाग्य और संपूर्ण सुख की खान है श्री हरि नाम। राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम संपूर्ण सौभाग्य और सुख की खान है। सारा सौभाग्य और सारा सुख इसी में उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि सौभाग्य सुख मायिक अमायिक लौकिक पारलौकिक ये जो कुछ भी सुख सौभाग्य है ये सब राम नाम रूपी खदान से ही उत्पन्न होता है, हैं? और कहीं से भी इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। सकल सौभाग्य, ये सकल सौभाग्य क्या है? संपूर्ण सौभाग्य। सौभाग्य हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार का माना गया है। कितने प्रकार का सौभाग्य? 8 प्रकार का। 8 प्रकार से मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। अरे आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग कह तो देते हैं हमारे सौभाग्य का उदय कब, हमारा तो सौभाग्य उदय तो हो गया। ये सौभाग्य क्या है? सबसे पहला है सुंदर भाग्य। सबसे पहला है सुंदर भाग्य। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। ये भाग्य क्या है? सुंदर भाग्य क्या है? किसी भी काम में असफल नहीं होना। लोग कहते रे भैया क्या कहना, उनका तो समय बहुत अच्छा है, मिट्टी छू देते सोना हो जाता है। कहते ना लोगों में मुहावरा है, अरे क्या है मिट्टी छुआ सोना हो गया। इसको कहते भाग्य। दूसरा, ये पहले नंबर का 8 प्रकार का सौभाग्य है, इसमें पहला है भाग्य। दूसरा है सुगंध। बहुत भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर से बदबू आने लग जाती है, हाँ दुर्गंध आने लग जाती है। शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध होना यह भी सौभाग्य का सूचक है। दीनबंधु दास जी को स्मरण है खूब, क्योंकि इन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा की खूब सेवा की, चरण भी खूब दबाते थे। महाराज जी नहाते धोते थे? ज्यादा नहीं नहाते, बहुत कम। माने ऐसा था उनका नहाना धोना महाराज जी का, वो नीम के नीचे बैठे रहते थे खाली तखत पर, और पानी बरसने लग गया तो वो एक आधा कटा हुआ, उसको साधु में मतंगा कहते हैं, टूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते कि सिर न भीजे,
बाकी शरीर उनका खूब भीजता रहता पानी में, एक छोटी सी साफी रखते उससे ऐसे रगड़ते रहते शरीर को, तो लंगोटी तो बदलती नहीं थी, गीली रखते थे, गीली पहन लेते थे, एक ही लंगोटी रखते थे। और शाम को जब पानी खुल जाता तो जैसे आकाश साफ होकर के दी, ऐसे उनका शरीर चमकने लग जाता था। और वैसे कहो कुआ का पानी खींच के 10-5 बाल्टी नहा में नल के निकले, ज्यादा नहीं नहाते थे, गर्मियों में भी नहीं नहाते थे ज्यादा वो। पर उनके शरीर से एक विलक्षण प्रकार की सुगंध हमेशा आती थी। हम लोग महात्मा के पास गए थे चीर घाट पर, कैसे महात्मा थे, धूल मिट्टी में सने हुए, मैं महीनों से नहीं नहाए हूं, अवधूत महात्मा थे, बंगाली संत थे, बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष थे वो, बहुत अच्छे नाम जापक थे। तो हम गए, कई संत लोग गए, उनके शरीर से भी एक विलक्षण सुगंध आ रही थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के शरीर से भी एक विलक्षण प्रकार की सुगंध आती थी। तो ये सौभाग्य सूचक है शरीर से सुगंध आना, अथवा शरीर से सुगंध किसके आएगी, ऊट पटांग चीज खाने पीने वाले इनके शरीर से तो बदबू ही आती। मांसाहारी व्यक्ति के पास आप बैठ नहीं सकते, शराबी कबाबी के शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है, व्यसन करने वालों को शरीर से दुर्गंध आती है, प्याज लहसुन बहुत खाने वाले उनके शरीर से बड़ी बदबू आती है। शुद्ध सात्विक भगवत प्रसाद ग्रहण करने वाले उनके शरीर से, और शरीर को ठीक से स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, उनको भी शरीर से दुर्गंध नहीं आती। हमको श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी जी ने बताया, बोले हमारे यहाँ राधारमण लाल जी की अपरस में सेवा होती है, तो हम लोग स्नान करके जब अपरस में जाते हैं भीतर, तो पहले बहुत अच्छे ऋतु के इत्र से, अपने इत्र से हाथ धोते हैं, इत्र ऐसे लगाते हैं पूरे हाथ में, ऐसे पूरे इत्र लगाते हैं, वो अलग होता लगाने वाला, फिर बढ़िया से जल से उसको ठीक से हाथ धोते हैं। क्यों, बोले शरीर में हाथ में सुगंध आ जाए, इसकी दुर्गंध भगवान को पीड़ा न पहुंचावे। राधारमण लाल जी बड़े सुकुमार हैं, हैं उनके श्रीअंग में दिव्य सुगंध है, ये मलमूत्र का भांड है, कहीं इनको दुर्गंध न लग जाए, शरीर की गंध उनको न लग जाए, सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। सुगंध ये भी सौभाग्य का एक प्रतीक है। और पतिव्रता उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता आज्ञाकारिणी सुंदरी पत्नी, यह भी सौभाग्य का सूचक है। वस्त्र अष्ट प्रकार के सौभाग्य में बढ़िया कपड़ा, ये भी सौभाग्य का, सुंदर इतर सुंदर वस्त्र, ये भी सौभाग्य का सूचक है। गीत ये भी सौभाग्य का सूचक है, अच्छे बड़े बड़े गवैया सामने बैठ के कुछ गावे सुनावे, खुद भी गावे दूसरे भी गावे, ये भी एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चमूरखाणाम निद्रया कलहे नवा, ये भी सौभाग्य है। तांबूल, तांबूल भी सौभाग्य है। पान, अब ये पान साधकों के लिए थोड़ी ये बात बता दें कि ब्रह्मचारी को, विधवा स्त्री को और यति को, सन्यासी को पान वर्जित है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ब्रह्मचारी को, साधु को, विरक्त को और विधवा स्त्री को पान नहीं खाना चाहिए, निषिद्ध है। सामर्थ्य होने पर भी नहीं खाना चाहिए।
भगवान की उत्पत्ति अमृत से हुई है। जब भगवान मोहिनी ने इंद्र को अमृत पान कराया, बहुत ध्यान से सुने, तो इंद्र को थोड़ी त्वरा थी, त्वरा जानते ना, जल्दी हमको मिल जाए अमृत पीने को, तुरंत अंजलि ऐसे की, तो त्वरा में इंद्र का हाथ थोड़ा हिल गया, तो पीने के पहले कुछ अमृत छलक कर उनके हाथ से नीचे आ गया, बूंदे उनकी, जैसी बूंदे नीचे आई तो उससे एक बेल उत्पन्न हो गई, पान तांबूल देवताओं की पूजा में लगता है, बड़ा अच्छा है हमारा पान अमृत से पैदा हुआ है। भोजन के बाद एक वैद्य जी की बताई हुई बात आपको बता रहे हैं। एक वैद्य जी ने कहा, मैं तो भूल गया, तो इंदौर वाले वैद्य जी ने, उन्होंने कहा कि एक ऐसी नस है जो भोजन के बाद ही थोड़ी देर के लिए खुलती है और वो केवल पान का रस लेने के लिए खुलती है, बाकी बंद रहती वो नस, और वो पान का रस उस समय शरीर में अमृत का काम करता है, पर पान में पर जर्दा फर्दा ऊटपटांग चीज नहीं, केवल शुद्ध पान कत्था चूना लौंग इलायची और सुपारी बस, इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर पान आप भोजन के तुरंत बाद लेवें तो कहते थे बात पित्त कफ तीनों प्रकुप्त धातुओं का शमन हो जाता है, खाया हुआ भोजन पच जाता है, और जो चीज आप मने वो कोई एक नस ऐसी बता रहे थे, नाड़ी जो केवल पान का रस लेने के लिए ही खुलती है बस, और किसी चीज के लिए नहीं खुलती है, वो बहुत स्वास्थ्य में लाभ करती है। इसलिए आपने देखा होगा धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम, नैवेद्य के बाद देवताओं को तांबूल अर्पित किया जाता है, भोग के बाद ठाकुर जी को बीरी अर्पित की जाती है। तो अब पान साधु ब्राह्म साधु बटुक ब्रह्मचारी इनको नहीं खाना चाहिए, मंगल सौभाग्य शून्य माताओं को नहीं खाना चाहिए, किंतु इसमें हम थोड़ा सा एक शोध सुधार कर देते हैं, पान नहीं खाना चाहिए दुकान पर खड़े होकर बाजार में खरीद कर, किंतु बरसाने में राधा रानी दर्शन करने गए और श्री जी की बीरी मिल गई तो, नंदगांव में लाला की बीरी मिल गई तो, दाऊ जी में ठाकुर जी की बीरी मिल गई तो वो पान नहीं है, वह तो श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद है। हम जगन्नाथ जी जाते हैं तो वहाँ जगन्नाथ जी के पुजारी पंडा जगन्नाथ जी की बीरी देते हैं, श्रीनाथ जी तो महाराज सबसे बड़ा बीरा आरोकते हैं, इतना बड़ा बीरा, वो बीरा के भीतर कम से कम 20-25 पत्ता होते पान के हैं, उनका बीरा अलग ही होता है, श्रीनाथ जी वाला बीरा इतना बड़ा। प्रसाद रूप में, भगवत प्रसाद रूप में हम बांट करके थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन व्यसन रूप में साधु को ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए, दुकान पर खड़े होकर के तो कभी नहीं खाना चाहिए कि चाय पियो पान खाओ, ये तो उसमें शोभा नहीं है, इसमें बड़ी वेश की निंदा है। तो आठ प्रकार के सौभाग्यों में तांबूल भी है, भोजन भी सौभाग्य का प्रतीक है। बढ़िया सुंदर भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थों से युक्त रस्य स्निग्ध शुद्ध सात्विक बढ़िया भोजन मिले, ये भी सौभाग्य का सूचक है। हाँ, ये नहीं कि एकदम ढंढोला दाल, धोखे से कहीं दाल में गोता लगाने को मिले तो एक दाल का कण न मिले, पीरा पीरा पानी और मोटे आधे जले आधे कच्चे रामरोट, ऐसा मिले भोजन तो समझो महाराज दुर्भाग्य है, बढ़िया सुंदर चकाचक मिले तो सौभाग्य है। तो अष्ट प्रकार के सौभाग्यों में सुंदर सात्विक आहार, सुंदर भोजन, ये भी एक सौभाग्य है। और महाराज जी भूषण, अच्छे सुंदर आभूषण भगवान को प्रसादी बना करके श्रीअंग में धारण करना, ये भी अष्ट प्रकार के सौभाग्य में भूषण भी है, ये सात हो गए। और आठवां सुख है सौभाग्य का वाहन, एक से कीमती घोड़ा हाथी, उस जमाने में हाथी घोड़ा चलते थे तो हाथी घोड़ा सौभाग्य का प्रतीक थे, अब हाथी घोड़ा तो पता नहीं कहाँ चले गए, अब तो वाहन आ गए।
डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ाने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन आ गए। महाराज जी देखिए, हमारे प्राचीन जो परिवहन की व्यवस्था थी वो शून्य माने शून्य के बराबर भी प्रदूषण उनमें नहीं था। गाय हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, वे जो कुछ भी करते हैं मलमूत्र आदि, वो सब प्रकृति में ही जाकर मिल जाता है, उससे कहीं कोई गंदगी या प्रदूषण नहीं होता है। पर और जितने उपकरण वाहन आदि के हैं, ये सब प्रदूषण पैदा करने वाले हैं। तो वाहन का सुख भी वो सौभाग्य के सुख में आता है। ये आठ प्रकार का सौभाग्य, ये आठों प्रकार का सौभाग्य हरि नाम लेने वाले को, राम नाम लेने वाले को बिना चाहे प्राप्त हो जाता, बिना चाहे, वो नहीं चाहे तो भी उसको मिल जाएगा। सकल सौभाग्य गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए नाभाजी महाराज ने लिखा है कि विठलनाथ जी महाराज के संपत्ति को, सौभाग्य को देख करके सुरपति मन मोहे, इंद्र का मन मोहित हो जाता था कि कलयुग में इनके पास इतना ऐश्वर्य है, माने हमारा ऐश्वर्य इनके सामने कुछ नहीं है। ये ऐश्वर्य गोसाई श्री विठलनाथ जी का था। तो उन्होंने कौन सी विद्या सिद्ध की थी, कौन सा तंत्र मंत्र किया था धन की प्राप्ति के लिए, ये है अहर्निश श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण के चिंतन का प्रभाव कि आठों प्रकार का सौभाग्य गोसाई श्री विठलनाथ जी के जीवन में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। सकल सौभाग्य, आप हरिनाम का आश्रय लेंगे तो बिना चाहे भी आठों प्रकार का सौभाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा। सकल सुख, ये सकल सुख क्या है? सकल सुख है, एक तो है नित्य सुख और एक है जन्य सुख, इंद्रिया ज्ञानादि के द्वारा प्राप्त। तो वो सात्विक सुख है, नित्य सुख जो है वो सात्विक सुख है ज्ञानादि के द्वारा, और राजस सुख जो है वो आने जाने वाला सुख है, उसका नाम है विषय सुख, और तामसी भी सुख है, आलस्य उन्माद आदि के द्वारा प्राप्त सुख, ये भी सुख है, लेकिन ये सुख परिणाम में भयंकर दुख देने वाला है। तो शुद्ध सात्विक सुख भी श्री राम नाम प्रदान कर देता है। सकल सौभाग्य सुख, संपूर्ण सौभाग्य सुख, मायिक अमायिक लौकिक पारलौकिक सुख, सब कुछ श्री राम नाम का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे मन, सदा राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, मूढ़ मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खानी जिय जानी सठ। अरे सठ, तू सुख और सौभाग्य तो चाहता है पर श्री राम नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, कृष्ण नाम का आश्रय नहीं ले रहा है, हरि नाम का आश्रय नहीं ले रहा है। यदि तू ये चाहता है तो संपूर्ण सौभाग्य और सुख की खान तो श्री राम नाम है। मानि विश्वास वद वेद सारम। आप बात पर विश्वास करो और यह संपूर्ण वेदों का सार है, वेदों का परम तात्पर्य श्री हरि नाम में है, राम नाम में है, ऐसा अपने मन में अनुभव करो। पोरबंदर में, पोरबंदर जहां श्री भाई जी का सांदीपनी आश्रम है, वहां पोरबंदर में भी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा अखंड संकीर्तन आरंभ किया गया, अभी भी चल रहा है। तो वहां एक परिवार था, वो इतना गरीब था कि
इसकी समस्या थी, खाने के लाले थे। तो उस परिवार के एक सज्जन ने हमको बताया कि महाराज जी, हम लोगों की न तो संतों में श्रद्धा थी, ना ही कथा कीर्तन में कोई श्रद्धा थी, हमारी श्रद्धा तो भूखे थे भोजन में थी। तो इस लोभ से प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में जाते थे कि वहां जो भी कीर्तन करता था उसे सुंदर प्रसाद मिलता था। प्रेम भिक्षु जी महाराज की पद्धति बड़ी विलक्षण थी। वे कहते थे, पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, वो कहते थे कि जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सर्वोपरि साधन, सबसे सहज सुलभ साधन श्री हरिनाम संकीर्तन है। और ये जो जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है, और यही साधन महंगा हो जाए तो फिर गरीबों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए कहते थे, और साधन भले ही महंगे हो जाएं, पर हरिनाम महंगा नहीं होना चाहिए, हरिनाम तो सबको सुलभ होना चाहिए। तो बिना एक रुपए खर्च के कीर्तन होना चाहिए, उनका इस बात पर बड़ा जोर रहता था। महाराज जी, आज भी कम से कम 7-8 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है और बिना एक पैसा के चल रहा है। आप सोचो, हमारे यहाँ ब्रज में ऐसी परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो कीर्तन वालों को कुछ देना पड़ता है। नहीं महाराज, कीर्तन बंद हो जाए, हमने भी एक बार सोचा कि कीर्तन ऐसे ही शुरू करें, स्थान में इतने लोग रहते हैं तो काहे को मासिक कुछ दे करके करामे, या आश्रम के लोग ही कर लेंगे। तो एक महात्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये सेवा संभाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले वही आसन बांध के कुछ दिन बाद जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा भाई तुमको क्या हुआ? कहते ये बड़ा वैसा काम है हमारा, वो भजन का समय होता ही है, वो है। तमाम संत निवास खाली हो गया महाराज जी। हाँ, कहने में बड़ी लज्जा का भी अनुभव होता है, वो तो नहीं करें। तब क्या करोगे भाई, भजन नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे तो क्या करोगे? अंत में यही मन में निश्चय हुआ कि भाई कीर्तन तो चलाना है, अखंड गो रक्षा के लिए कीर्तन होना चाहिए, और कीर्तन हो रहा है। वो कीर्तन भी बड़े विलक्षण ढंग से शुरू हुआ। दिल्ली के कुछ महानुभाव रात्रि को 11 बजे हमारे पास आए। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम दिल्ली से आ रहे हैं। हमने पूछा नहीं नाम गाम और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा महाराज जी, हम इतनी रात को इसलिए आपसे आए हैं कि हम आपका नियमित प्रवचन सुनते हैं। आपने कहा सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ हरिनाम है, तो गोरक्षा के लिए और तो सब काम हो रहे हैं, कहीं अखंड कीर्तन हो रहा है क्या गोरक्षा के लिए? यदि यहाँ आप अखंड कीर्तन गोरक्षा के लिए शुरू कर दें तो लगता है देश में बहुत जल्दी वातावरण निर्मित हो जाएगा। वो कह के चले गए। हमारे मन में बात बैठ गई, और फिर ठाकुर जी की कृपा से आज 2007 में शुरू हुआ। क्यों दिन मनुदासी, 2007 में अखंड हरिनाम संकीर्तन, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, सभी के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो, ये दो संकल्प लेकर के और ये कीर्तन आरंभ हुआ है। 2007 से इस समय 2020 चल रहा, कितने साल हो गए? 13 वर्ष हो गए कीर्तन होते होते अखंड। लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, क्यों? मासिक उनको दे दो, अच्छे बेचारे बंगाली वैष्णव हैं, वो कीर्तन करते, वो मासिक ले लेते हैं, कोई सिरदर्द नहीं है। प्रेम से बढ़िया तीन मूर्ति बैठ के करते हैं, कोई खोल बजाता है, और उनको अपनी कीर्तन का महाप्रभु जी की कृपा है, कीर्तन बढ़िया हो जाता। लेकिन वो पैसा देने से चल रहा है, पैसा न दें तो बंद हो जाए। पर धन्य है श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को, जो 50 वर्ष हो गए उनको भगवत धाम गए, और अभी भी 50 वर्ष में भी कम से कम 7-8 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम। और सब जगह लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, माने वहां कीर्तन में भेंट धरना मना है।
तब आप लोग कहेंगे कि फिर प्रेम भिक्षु जी के समय में कीर्तन कैसे होता था, हजारों लोग महाराज उपस्थित होते थे कीर्तन में, कैसे कीर्तन होता था। बस बाबा जी गए, झंडा गड़ गया, कीर्तन शुरू हो गया। आप तो कुछ रखते नहीं थे, दो वस्त्र रखते थे बस, कमंडल दो वस्त्र। कीर्तन शुरू हुआ। अब जो वैष्णव क्षेत्र के हैं वो अपने घर से सामान लाना शुरू किए, कोई दाल ला रहा है बनी बनाई, कोई रोटी, कोई साग, कोई भाजी, कोई चटनी, कोई अचार, कोई नमकीन, जो जिसके घर में है वो आकर के भेंट करते थे। दाल में दाल, साग में साग, रोटी में रोटी, भात में भात, सब मिलाते चले जाते। सवेरे 9 बजे से इकट्ठा होता, दिन में 1-1.5 बजे तक सब इकट्ठा हो जाता, उसी में तुलसी छोड़ के भोग लग जाता कीर्तन वाले ठाकुर जी को, और फिर सब कीर्तन वाले बैठ के, उसमें कोई भेद भेद नहीं करते थे, कीर्तन वाले बैठ के पाते। और लोगों का अनुभव था कि उसमें इतना विलक्षण स्वाद आता था, क्योंकि 20 तरह की तो साग एक साथ मिल गई, और कितने घरों की दाल मिल गई, और जो लाने वाले हैं वो सब वैष्णवी होते थे, भक्त ही होते थे, ऐसे लोगों के यहाँ से नहीं आता था जो खाया पिया ना जा सके, अच्छे सात्विक लोग ही पवित्रता से बना करके लाते थे। तो इस तरह से तो राजभोग की व्यवस्था हो जाती थी कीर्तन वालों के लिए, कोई आओ सब खाओ, जब तक है तब तक खाओ, नहीं है तो जय सियाराम। और फिर शाम को 4-5 बजे से फिर धीरे धीरे इकट्ठा होता था, तो 8-9 बजे तक, 9 बजे तक ब्यारू इकट्ठी होती थी, और फिर भोग लगता था तो 9 बजे से 12-1-2 बजे रात तक, जब तक है तब तक सामान तब तक चलाओ, जिसको भूख लगे। बस एक प्रार्थना प्रेम भिक्षु जी महाराज करते थे कि भैया प्रसाद सब पाओ, पर एक कीर्तन वालों के लिए आया है, बिना कीर्तन किए खाओगे तो ये पचेगा नहीं, कीर्तन करो खूब तब खाओ, सबको खाओ, किसी को मनाही नहीं है पाने की, सब पाओ पर कीर्तन करके पाओ। तो उस परिवार ने हमको बताया कि कीर्तन कीर्तन में हम लोग इसलिए जाते थे परिवार सहित कि इसकी समस्या थी, भोजन की समस्या थी, तो चलो थोड़ी देर कीर्तन में बैठेंगे, ऐसे ही समय जाते हैं कि थोड़ी देर कीर्तन में बैठें तब तक पंगत का समय हो जाए। तो जैसे लोग बैठना शुरू किए, धीरे धीरे एक एक करके बैठना शुरू कर, तृप्त होके खा लेते। तो कहते कि भोजन के लालच में कीर्तन शुरू किया, और बोले फिर ऐसी दया हुई कि लंदन में उनका बहुत बड़ा कारोबार, फोटो का, कैमरे का, फोटो का बहुत बड़ा कारोबार। और अब तो प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आती है तो वो लंदन में अखंड कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वो उन्होंने एक मंदिर, कीर्तन मंदिर, संकीर्तन मंदिर बनाया था, उसका उद्घाटन करने हम गए थे, भारत में ही एक मंदिर बनाया था। उन्होंने कहा महाराज कहीं भी अखंड कीर्तन की कोई व्यवस्था करे, बस वो शर्त यही है बिना पैसे वाला कीर्तन होना चाहिए। तो भूमि और भवन तैयार करने के लिए इस सेवक को कहीं भी याद कर लेना। क्यों? बोले हम तो रोटी के लाले थे, कीर्तन में हम जुड़े तो हमारा तो महाराज भाग्य जग गया। तो लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक सुख सब कुछ आपको हरिनाम से मिल जाएगा, कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, रोटी लूगा नीके राखे, आगे हुकी बेद भाग है। आप भगवान की शरण हो जाओ, आप हरिनाम का आश्रय ले लो, रोटी लूगा माने हाथ खर्च आपको मिलेगा, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी, और आगे हुकी बेद भाग है, मरने के बाद भी तुम्हारा परम कल्याण होगा, ये भगवान वेद गारंटी ले रहे हैं, वचन दे रहे हैं। तो ऐसा सकल सौभाग्य सुख, ये सारे सौभाग्य और सुख को देने वाला श्री राम नाम है। मन को बहुत संबोधित किया है गोस्वामी जी ने, बार बार मन को संबोधित किया है, मोहि मूढ़ मन बहु
बहुत बिगोयो। विनय पत्र मोह मन बहुत बिगोयो या के लिए सुनहु करुणा मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख निकट रहत निकट ही रहत दूर जन खोयो। बहु भातिन श्रम करत मह बस ब्रत ही मंद मधि बारी बिलोयो। करम कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। त्रिषाबंत सुर सरि बिहाई सठ फिर फिर बिकल आकाश निचोयो। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो। यहां मूढ़ मन का कबहू मन विश्राम न मान्यो निसिदिन भ्रमत विसार सहज सुख जहां तह इंद्र न तान्यो। बड़ा पद है इसी में अंत में निज हित नाथ पिता गुरु हरिसो हरसी हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब त्रसा जाए सर खन तही जन्म सिरानो। कबहू तो मन विश्राम न मान्यो सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो हरिपद विमुख लहो न काहू सुख सठ यह समुझि सवेरो। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो मेरो मन हरिजू हठना तजे। कितने पद हैं? बहुत से पद हैं। तो संपूर्ण सौभाग्य और सुख की खान वो श्री हरि नाम है, श्री राम नाम है। उसका आश्रय लोगे तो किसी भी प्रकार का अभाव तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएगा। तुम्हारे नाम जब से सारे दुरित दोष नष्ट हो जाएंगे। बरवे रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है दोष दुरित दुख दारिद दाहक नाम सकल सुमंगल दायक तुलसी राम। बहुत सुंदर बरवे रामायण का ये छंद है। दोष दुरित दुख दारिद दाहक नाम समस्त दोष दुरित माने पाप दुख दारिद्र इन सबको जलाकर भस्म करने वाला नाम है और संपूर्ण सुमंगल और सुख को देने वाला श्री राम नाम है। यही ते अधिक न यही सम जीवन लाओ। ना तो राम नाम से कोई अधिक है और ना राम नाम के समान कोई है। जीवन का सर्वोपरि लाभ यही है कि हम भगवान नाम के लिए समर्पित हो जाएं। यहां एक बात महाराज जी कह रहे हैं मान विश्वास बदवेद सारम। विश्वास मानो। इसका तात्पर्य क्या है? हम लोग इतनी हरि नाम की महिमा कहते सुनते हैं शास्त्रों में लिखी है पर कई बार सुनने कहने पर भी विश्वास दृढ़ नहीं होता। विश्वास नहीं होता। कई बार तो बहुत से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं अरे ठीक है लोग भजन करें इसलिए लोगों ने वो महिमा को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है बाकी क्या है ये सब समझ में नहीं आता। इतना नाम में शक्ति है कि पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं जितनी हरि नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है फिर लोग नरक क्यों जा रहे हैं। तरह तरह के कुतर्क भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं कुतर्क? इसलिए कुतर्क करते हैं कि उन्हें नाम महिमा में विश्वास नहीं है। सच्ची बात यह है कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। सर्वसमर्थ भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। कलयुग में विशेष है
क्योंकि नहीं आन उपाऊ, कलयुग में दूसरा कोई साधन ही नहीं है। इसलिए मान विश्वास, सच्ची बात यह है कि एक बार धोखे से भी राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम जिह्वा से निकल गया तो अनंतानंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए तत्काल, अब द्वारा कोई पाप छू नहीं सकेगा और उस एक ही नाम से कल्याण हो गया, अब दूसरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, शपथ पूर्वक हम कहते हैं ये बात सत्य है, परम सत्य है, महान सत्य है, अटल सत्य है। पर इसकी अनुभूति तब होगी जब इस नाम महिमा में विश्वास हो जाएगा। इसलिए काम तो एक ही नाम से बन गया, पर जीवन भर नाम इसलिए लेना है कि ये जो नाम महिमा है इस पर हमें विश्वास हो जाए। इस नाम महिमा में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, हमारा विश्वास उत्पन्न हो जाए, इसलिए जीवन भर नाम नाम जपना है। अद्भुत है नाम की महिमा। इसलिए मान विश्वास बद, विश्वास पूर्वक नाम की महिमा को स्वीकार करो। नामाश्रयी भक्तों को यह अनुभव करना चाहिए कि वेद में, शास्त्रों में, इतिहास में, पुराण में, संतों की वाणियों में जितनी नाम महिमा गाई गई है उससे भी हजारों हजारों गुनी अनंत 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 गुणित नाम महिमा है। नाम महिमा को वाणी से कहा ही नहीं जा सकता है। बस नाम निरंतर जपो, बस इतनी सी बात है, नाम निरंतर जपो। विश्वास क्यों कहा गया? बोले कब न्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के सिद्धि नहीं होती। एक भोली भाली गुजरी थी, यहाँ गुजर लोग खूब हैं इस क्षेत्र में, उनको देख के बात नहीं सुनाई जा रही है, महाराज जी की वाणी से सुनी ही बात सुनाई जा रही है। एक गुजरी थी, बहुत भोली भाली थी, संतों में बड़ी श्रद्धा थी, सत्संग में श्रद्धा थी। तो एक पंडित जी कथा बाँसते थे, वो कथा सुनने जाती, बीच में गंगा जी थी तो गंगा जी नौका से पार करके जाती, कथा सुनने जाती, थोड़ा कुछ घर से माखन दूध दही छाछ कुछ ना कुछ ले भी जाती, पंडित जी को वहां जाके भेंट करती। एक दिन पंडित जी ने कहा, अरे हरिनाम तो भव सागर पार कर देता है, जो हरिनाम लेता है वो भव समुद्र से पार हो जाता है। इतना सुनते गुजरी बड़ी खुश हुए, रेवा समुद्र पार है जाए आदमी राम राम करते भय, तो गंगा जी कौन सी चीज है, बेकार में ढेला पाई खर्च करूं, अब तो बढ़िया उपाय मिल गया। उसको विश्वास हो गया, यहाँ से गई, देर तक गई, नौका वोका तो चली गई, आराम से पट पट पानी पर गंगा जी पर पैदल चली गई। महाराज चातुर्मास चल रहा था, पंडित जी ने चार महीना कथा सुनाई और खूब महाराज रोज आवे नित नियम कथा से कथा में आवे चली जाए। और अब तो उसको घाट पे भी जाने की जरूरत नहीं थी, क्यों घाट पे तो भीड़ भाड़ रहती, तो गंगा जी में कहीं से भी जहाँ से पास में उसका घर था वहीं से गंगा पार करके चली जाती। तो एक दिन मन में आया कि पंडित जी इतनी बढ़िया कथा सुनाई, हमारा इतना पैसा बच गया, चले पंडित जी को न्योतो करूं। तो ब्यास जी को बोली, ब्यास जी महाराज हमारे घर में चरण पधराओ, गुजरी हूँ महाराज, जो कछु कहोगे सो आपकी बड़ी, गरीब आदमी खातिरदारी करेंगे, खूब दूध दही घी घर में है, गौ माता घर में है। पंडित जी ने सोचा है तो बड़ी श्रद्धावान, कुछ ना कुछ लाती, कछु भेंट दक्षिणा भी करेगी,
बोले ठीक है, कथा हमारी पूरी हो जाएगी, भादों की पुणे को हमारी कथा पूरी हो गई, और भादों को पुणों को कथा पूरी हो गई तब हम तेरे यहाँ चले चलेंगे। कहा ठीक है। अब कथा पूरी होते होते देर हो गई, वहाँ गए तो वहाँ नौका होका कुछ नहीं, सब चली गई। गुजरी बोली चलो, कहाँ बोले हम घर चलो। फिर नौका बोले नौका की क्या जरूरत है, हम तो 2-3 महीना से ऐसे ही बिना पैसा के पार हो। कैसे बिना पैसा के? आपने ही तो कथा में कही थी राम नाम भव सागर से पार उतार देता है। अरे जब समुद्र से पार उतार दे तो नदी पार काहे नहीं उतारेगा? तो राम 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 करते हुए मैं तो पानी पे चल पड़ती और पहुंच जाती पल्ली पार। अच्छा यहाँ पार करके दिखाओ तो पट पट महाराज वो तो चलने लगी पानी पे, आप भी चलो। पंडित जी का हाथ पकड़ा, गुप गुप करने लग गए पानी में। बोले माई तैरना वरना हमको नहीं आता, हम नहीं जाएंगे। अब देखो वो बिना पढ़ी लिखी उसको विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया तो विश्वास से सिद्धि हो, कब नहूं सिद्धि की बिन विश्वास, विश्वास से सिद्धि हो गई। इसलिए विभीषण जी का चरित्र आता है, वो पंगु का जो चरित्र है, पंगु को पार करना था समुद्र, तो मस्तक पर एक तुलसी के पत्ता पर राम लिख करके विभीषण जी ने मस्तक पर रख दिया, तो महाराज उसका पंगुत्व भी दूर हो गया और वो व्यक्ति पैदल समुद्र को पार करके पहुंच गया। भक्तमाल जी में कथा है। ये सारे चमत्कार विश्वास के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। हमारे महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी विश्वास की, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने, बहुत ध्यान से सुने ये घटना, बड़ी उपयोगी है साधकों के लिए। उस जमाने की बात है जब महाराज गंगा सागर में पुजारी थे। उस समय न तो वहाँ बिजली थी न कोई सुविधा थी, यात्रा भी गंगा सागर की दुर्गम थी। हनुमानगढ़ी के अधिकार में कपिल भगवान का मंदिर है, तो जो हनुमान जी की पूजा 6 महीना जिनको मिलती है उनको 6 महीना यहाँ पूजा, 6 महीना वहाँ। 4 पुजारी होते हैं, 4 पट्टियों के 4 पुजारी, तो वो 4 पुजारी यहाँ होते हैं, फिर वही 4 पुजारी वहाँ गंगा सागर में कपिल मुनि के यहाँ चले जाते हैं, ऐसा नियम है। तो अब तो वहाँ बहुत व्यवस्था हो गई, पहले व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, कोई डॉक्टर चिकित्सक भी नहीं था। अब समुद्री जलवायु और यहाँ के तो साधु जो होते ना उनको रोटी वगैरह खाने का अभ्यास है, और वहाँ तो भात के अलावा कोई चीज़ मिले नहीं, सुविधा भी उसमें भात नहीं खाते थी। खाते और उसमें भी महाराज जी दयालु प्रकृति के, तमाम भिक्षुक आ जाएं खाने की मांगने के लिए तो महाराज अपना हिस्से का उनको दे दें, तो ठीक से भरपेट खाएं भी नहीं, और वो भात खाते खाते पेट में उधर शूल बन गया। अब वो दर्द जब पेट में उठे तो ऐसे उठे कि महाराज जी छटपटा जाएं। अब इलाज के लिए जाओ तो कलकत्ता जाओ, कलकत्ता जाना भी बड़ा कठिन है, यहाँ पूजा छूट जाएगी। तो दर्द बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना असह्य दर्द हुआ, रात्रि को महाराज जी सुनाते थे, इतना असह्य दर्द हुआ कि लगता कि प्राण निकल जाएंगे। तो एक बार तो मन में आया कि साथ वाले पुजारियों को जगाएं, पर पुजारियों को रात को 2 बजे जगना पड़ता, हनुमानगढ़ी में भी 2 बजे रात को जगना पड़ता है, बड़ी विस्तृत पूजा है। और कपिल मुनि की पूजा भी बहुत विस्तृत, जैसी हनुमान जी की पूजा पद्धति ऐसी कपिल मुनि की है। तो ले इनको 2 बजे जगना पड़ेगा और हम रात को अभी 10-11 बजे जगा दें, रोत कर चीख करके तो ये जग के भी बिचारे करेंगे का कहाँ जाएंगे, यहाँ कोई डॉक्टर तो उपलब्ध है नहीं। तो मन में आए कि रसोई घर में जाके कुछ काढ़ा वाढ़ा बना के पिए, शायद पेट का दर्द कुछ कम हो, लेकिन इतना दर्द कि उठा नहीं जाए, खड़ा ना हुआ जाए, बहुत छटपटाहट, बड़ा दर्द, विकलता बहुत हो गई। कि तत्काल हमारे मन ने अपने आप को धिक्कारा कि अरे तुम साधु हो और इस
उधर शूल के क्षण में डॉक्टर वैद्य का चिंतन कर रहे हो, औषधि का चिंतन कर रहे हो, ये तुम्हारे जीवन के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। राम नाम तो भवरोग की दवा है, तो जो राम नाम भवरोग मिटा सकता है वो उदरशूल क्यों नहीं मिटा सकता। इसलिए हमें किसी उपायांतर का चिंतन न करते हुए केवल राम नाम का जप करना चाहिए। महाराज जी कहते ये दृढ़ विश्वास जैसे ही भीतर आया कि अभी भजन शुरू ही नहीं हुआ था, राम राम करना, केवल राम नाम की महिमा पर भी विश्वास हो गया कि राम नाम भव भेषज हरण घोर त्रय शूल, ये केवल चौपाई ध्यान में आई, इस पर विश्वास हुआ। विश्वास का परिणाम ये हुआ कि उसी क्षण उदर शूल विदा हो गया, खत्म, पेट का दर्द समाप्त। और महाराज जी कहते कहते गदगद हो जाते थे, कहते थे बचपन से ही उठता था हमारे पेट में दर्द, तिल्ली बढ़ गई थी, जाने क्या क्या हो गया था, और वहाँ गंगा सागर में जाके तो रोग की बड़ी भारी पीड़ा थी। लेकिन बोले और व्याधि तो वहीं पर, पेट की व्याधि अब तक, महाराज जी कहते थे पेट में दर्द क्या होता उसके बाद पता नहीं, राम नाम की महिमा में विश्वास आते ही पेट का दर्द खत्म हो गया। इसलिए मान विश्वास बद वेद सारम, जो कुछ कहा जा रहा है इसमें विश्वास करो और अभ्यास कर लो, प्रातः काल से जगने से लेके सोने तक, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय राम 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 सीता राम राधे श्याम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो आपको नाम प्रिय लगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जो नाम श्री ठाकुर जी का आप सहज अभ्यास में ले सकें उस नाम का आप अभ्यास कीजिए। और यही वेद का सार है, जी जानी, अपने हृदय में इसको अच्छी प्रकार से जान लीजिए, क्योंकि जाने बिन न हो ये प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ये नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होगा, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होगा। इसलिए जानी जिए जानी मान विश्वास, विश्वास करो। और ये क्या है, बोले वेद सारम, ये वेद का सार है। राम नाम साधन फल श्रुति सार नाम, तब भव सरिता कहवेरो, विनय पत्रिका में, सो पर काकिन लागी सठ बेची होत हटिचेरो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, पुराण और वेद इनका सार है। विधि हरि हर मै वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। इसलिए वेद सारम, ये राम नाम वेदों का सार है। जिन श्री राम जी के नाम के जप की प्रेरणा दी जा रही है, वे राम जी कैसे हैं, तो कौशलेंद्र नवकंज नीलाभ तनु मदन रिपु कंज हृदि चंचरीकम, जानकी रवन सुख भवन भुवनैक प्रभु समर भंजन परम कारुणिकम। यद्यपि इसकी व्याख्या हम कर चुके लेकिन आज दूसरी चर्चा कर रहे हैं। नील कमल के समान इनकी सुंदर शोभा है। यहां मदन रिपु
कंज हृदय चंचरीकम का मदन रिपु माने जो कामदेव के रिपु शत्रु हैं भगवान शिव, उनके हृदय कमल में भ्रमर बनकर श्री राम जी निवास करते हैं। इसका मतलब है मदन रिपु क्यों कहा, मदन रिपु इसलिए कहा कि भगवान शिव इतने समर्थ हैं कि वे कामदेव को भस्म कर देने वाले हैं, परम निष्काम हैं और पूर्ण काम हैं। इसका मतलब है कि इस प्रकार से जो परम निष्काम पूर्ण काम होते हैं उनके हृदय कमल में निरंतर भगवान भ्रमर बनकर निवास करते हैं। इसका मतलब है तुम भी भगवान शिव की पद्धति का आश्रय लो तो तुम्हारे हृदय कमल में भी अविचल भाव से श्री रघुनाथ जी भ्रमर बनकर विराजमान हो जाएंगे। अर्थात पूर्ण निष्काम भाव से नाम का जप करो तो आपके हृदय कमल में भी भगवान भ्रमर बनकर विराज जाएंगे, कभी आपके हृदय को छोड़कर नहीं जाएंगे। मदन रिपु इसलिए कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, अरे मदन के जो रिपु भगवान शिव हैं राम नाम के बल से उन्होंने कामदेव को जला दिया, तुम राम राम कर रहे हो, तुम्हारा काम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी अपने काम रूपी विकार को नाम के प्रभाव से जलाकर खाक कर सकते हो। ये समझाने के लिए मदन रिपु कहा, जानकी रवण, जानकी रवण सुख भवन, ऐसे जो जानकी रवण सुख भवन हैं, ये कह करके श्री सीताराम जी का जो दिव्य मधुर रस है, प्रमोद बन का रस है, उनके जो रास का रस है, उस रस का भी श्री गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। ऐसे जो जानकी रमण सुख भवन है, जो जानकी जी कौन है, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, वे श्री रघुनाथ जी, वे श्री जानकी जी भुवनई का प्रभु, भुवनई का प्रभु का अर्थ है पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड के एकमात्र प्रभु है। श्रीमद् भागवत में बाबा छठे स्कंद में जब अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम उच्चारण किया और भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को मार पीट के भगा दिया और अजामिल को छुड़ा दिया, तो यमदूत गए जमलोक और जमराज के सामने अपने डंडा कुंडा मुदगर पास सब पटक दिए। पटक के बोले अब हम नहीं जाएंगे धरती पे, मृत्युलोक में नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं जाएंगे? बोले पहले ये बताओ शासन कितने लोगों का चलता है धरती पर? अरे किसी एक की हुकूमत चले तब तो जाए जाए, हम तो सोचते थे आपका ही शासन है धरती पर मृत्युलोक में, आपका शासन नहीं है। यमराज बोले आगे एक शब्द भी मत बोल देना, क्योंकि भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान के भक्तों का तिरस्कार हो जाएगा। अरे तुम लोग हमको झूठ मूठ का मालिक माने बैठे हो, हम मालिक वालिक नहीं है, हम तो भगवान के दासानुदास हैं। परो मदन्यो जगतस्तुकश्च, मैं सब हम सब मिलकर के भगवान के आश्रित हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी भी उनकी आज्ञा से भी अपने काम में लगे हैं। भुवनई का प्रभु, मानसी में क्या कहा, तात राम, विभीषण कह रहे हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये भुवनेश्वर हैं और कालों के भी काल हैं। भुवनई का प्रभु, ऐसे भुवन के एकमात्र प्रभु हैं। और कैसे हैं? बोले समर भंजन, समर भंजन,
समर भंजन का एक अर्थ तो हमने आपको बता दिया था, समर भंजन। दूसरा अर्थ बता रहे हैं। अब देखो, स्मर शब्द है, स्मर आधा सा मा और रा, हम बोल रहे हैं स्मर। और हमारे पंजाबी बाबा से पूछो तो पंजाबी में बोलेंगे तो स्मर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समर बोलेंगे। समर बोलेंगे नहीं, स्कूटर को कहते हैं पंजाबी स्कूटर, स्कूल को कहेंगे स्कूल, स्कूल बोलते हैं कि नहीं, स्कूटर स्कूल। आधा सा नहीं बोलते हैं, पूरे ही बोलते हैं। तो बोले स्मर नहीं है, समर नहीं है, स्मर भंजन। स्मर भंजन का अर्थ क्या है? बोले स्मर भंजन का अर्थ है कि स्मरण तुम करो तो सही, तुम्हारे सारे दुख कष्ट वो समाप्त न हो जाए तो कहना, आप याद करने लग जाओ। राम राम करने का व्रत तो ले लो, फिर कोई समस्या तुम्हारे जीवन में रह जाए तो कहना, सारी समस्याओं का अंत श्री हरि नाम से हो जाएगा। निरंतर नाम जप करो। नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहीं प्राण के ही बाट। सुख भवन, ये सुख भवन है श्री रघुनाथ जी, सुख के भवन हैं, इनको सुख का भवन जान करके भजो। देखो जानकी जी कौन है, उपजहीं जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन श्री जानकी जी के अंश मात्र से न जाने कितनी अगणित लक्ष्मी, न जाने कितनी लक्ष्मियां, कितने ब्रह्माणियां और कितनी रुद्राणियां प्रकट होती हैं, वो हैं बराम्बा भगवती जगत जननी श्री जानकी जी, किशोरी जी। ऐसी श्री जो जानकी जी हैं, हमारे ब्रज में भी राधा कृपा कटाक्ष में कहते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोम जा विरिंचि जा वर प्रदे। हैं ऐसी राधा रानी कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजन, ऐसी हैं। पर ऐसी जो हमारी श्री जानकी जी हैं, वे क्या करती हैं? माताओं ध्यान से सुन लो, राम जी भुवनई का प्रभु हैं और घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं है, पर रसोई में नौकर चाकर नहीं है, रसोई में जानकी जी स्वयं प्रवेश करती हैं, अपने हाथ से बनाती हैं और फिर बड़े प्रेम से परोस करके जिमाती हैं। है? ये अब बनेगी तो बड़ी ऊंची पतिव्रता, और पति से ही कहेंगे कि लाओ एक गिलास पानी भर के पिलाओ, हमको चाय बना के पिलाओ, कॉफी पिलाओ, ये पतिव्रताएं हैं। मैं तो मुझे तो आता नहीं, आता नहीं तो नौकर रखो, महाराज रखो, बनाने वाला रखो, नहीं तो हमको खिलाओ। गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सकल सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचर्या करई, निज कर जानकी जी के लिए, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। इसलिए समर भंजन परम कारुणिकम, ऐसे भगवान श्री राम परम कारुणिक हैं। और सब बात आपको बता ही दिया गया है कि वे पंचानन हैं,
किसके पंचानन है? लोभ रूपी गजेंद्र को नष्ट करने के लिए पंचानन है। सिंह के समान श्री राम नाम है। केशवम क्लेशहम केश बंद पदद्वंद, केशव हैं ब्रह्मा और शिव दोनों जिनसे उत्पन्न होते हैं उन्हें केशव कहा जाता है। ब्रह्मा जी के भी जो जनक हैं, शंकर जी के भी जो जनक हैं, ऐसे भगवान श्री राम क्लेशहम ये संपूर्ण क्लेशों को दूर करने वाले हैं। किसके क्लेशहम हैं? ब्रह्मा जी शंकर जी को भी क्लेश हो जाता महाराज, इनका भी क्लेश दूर कर देते हैं। क्या क्लेश? कवितावली में लिखा है महाराज जी, रावण को ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने वरदान देकर बहुत शक्तिशाली बना दिया। अब इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो ब्रह्मा जी शंकर जी पर ही दादागिरी दिखाने लग गया। हाँ महाराज, ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी आपके चारों मुंह से वेद प्रकट हुए ना, आप थोड़ा चारों वेदों का थोड़ा थोड़ा पाठ यहीं सुनाया जाए करो लंका, क्योंकि हमें इतनी फुर्सत नहीं कि हम ब्रह्मलोक आकर आपसे वेद पाठ सुने, सुना जाए करो। सुन लिया ना? ब्रह्मा जी कहते हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। ब्रह्मा जी चाहे तो श्राप दे सकते हैं, पर मैंने ही वरदान देकर इसको इतना बढ़ाया है, जहर का पेड़ भी सज्जन पुरुष लगाकर काटते नहीं है, मैं इसको श्राप दूं तो ठीक नहीं है। अब इतनी शक्ति तो इसमें इतनी है, ब्रह्मलोक में उपद्रव फैलाएगा। कहते कोई बात नहीं, हम वहीं तुमको वेद सुनाने आ जाया करेंगे। हाँ ठीक है, आ जाना, समय से आना। कभी ब्रह्मा जी पहुँच भी जाते तो कहता अभी बैठो, फुर्सत नहीं है, बाद में सुनेंगे। तो रावण का वध करके ब्रह्मा जी के क्लेश को दूर कर देने, ब्रह्मा जी को भी फुर्सत नहीं थी, उनको भी जाना पड़ता था वहां। शिवलोक गया, कैलाश गया, बोले शंकर जी से कहा कि हमको फुर्सत नहीं है, आप, मैं आपका भगत तो हुई हूं, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका भक्त हूं, लेकिन ये है महाराज अब हम व्यस्त हो गए हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप ही कैलाश से आ जाए करो, लंका में आपकी पधरावनी हो जाएगी, यहीं आपकी सेवा पूजा हो जाएगी। शंकर जी सोचते एक बार कैलाश आया था तो भुजाओं पर ही कैलाश को उठा लिया, हाहाकार मच गई, हलचल मच गई। बोले ठीक है भले आदमी, तुम मत आया करो, हम ही पर्व पर 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 पूजा लेने आ जाया करेंगे, तुम मत आया करो, जानते आज तो कोई उपद्रव करेगा, ताकतवर तो हम ही ने बनाया है, हम ही भस्म कर दें तो लोग कहेंगे बताओ अपने भगत को भस्म कर दिया। तो लिखा है कवितावली में, वेद पढ़े विदु शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हैं, शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे, पुजाने के लिए आते हैं। एक हमारे महाराज जी के गुरु पूर्णिमा के समय महाराज जी जब विराजते थे तो आपको स्मरण में होगा कि वो गिरिराज जी भी जाते थे, और फिर गिरिराज जी से फिर मोटरसाइकिल से कोई ब्रजवासी उनको भेजते थे, तब 3-4 बजे पहुंचते थे वो, तब जाके, बाद में फिर महाराज जी ने जाना बंद कर दिया, शरीर शिथिल हो गया। नहीं, हम 4 बजे तक बिना पानी पिए रहते थे, छोटे ही थे, बच्चे ही थे, सब खा पी लेते, लेकिन हमारे मन में तो नहीं आता कुछ खा पी लें, गुरु पूर्णिमा की तिथि है, गुरु जी की पूजा करके ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। एक बार हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी, एक बार 5 बज गया शाम का, हमने कहा महाराज जी हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं। बोले तुमको मने किसने किया, खा लेते, सब लोगों ने खा लिया, तुमने खाया कि पाया क्यों नहीं? कि महाराज जी गुरु पूर्णिमा है, आपकी पूजा करके तो कुछ खाएं, बिना आपकी पूजा किए कैसे खाएं?
तो महाराज जी बोले आज हम आ जाते थोड़ा जल्दी, लेकिन हमको अमुक जगह वृंदावन में ही, वहाँ गए, वहाँ भी गुरु पूजा थी तो पूजा करा के यहाँ आए। अरे हमने कहा महाराज जी वो यहाँ आके पूजा नहीं कर सकते। तो हंसकर महाराज जी बोले पुराना कायदा है, ब्रह्मा जी और शंकर जी रावण के यहाँ पूजाने जाते थे। तो हमने सोचा भाई विनय पत्रिका में कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा ही है, तो कोई बड़ा चेला है और उसको फुर्सत नहीं है। तो बोले पुरानी ही परंपरा चली आ रही है कि चेलों के पास गुरुओं को पूजाने जाना पड़ता है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चले गए। इतने सरल थे महाराज पूजावन। मानो उन्होंने विनोद में ये भी कह दिया कि इस तरह से पूजा करने वाले लोग रावण की कोटि के हैं, ये भी कह दिया। समझदार को इशारा काफी, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा। तो सबका क्लेश दूर करने वाले भगवान श्री राम हैं। बोलो और कैसे हैं? भगवान श्री राम का नाम है। और ये इनके जो चरण कमल हैं वो गंगा जी की मंदाकिनी के उत्पत्ति स्थान हैं। यत पाद पंकज पराग पवित्र गाता गात्रा भागीरथी भव विरंचि मुखान पुनाति, तमाम इस प्रकार के वाक्य लिखे हैं। ऐसे भगवान श्री राम जिनके चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी के द्वारा भी वंदित हैं और जिनका पवित्र नाम इस घोर संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाज है। यत पाद प्लव मेक मे वही भवाम बोधे स्थितीर्षावताम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम करुणापरम रामाख्यमीशम हरिम, ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से यह बात कही गई और अंत में, वैसे भाव तो बड़े सुंदर सुंदर हैं पर अंत में जो बात कही गई उसको कह करके हम विराम करते हैं। तेन सर्वं कृतं कर्मजालं तेन तप्तं हुतं, जिसने हरिनाम का आश्रय ले लिया उसने सारी तपस्या कर ली। भागवत जी में लिखा है देवहूति माता क्या कह रही है, यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभुवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् अहो बतस्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुभू सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। भले ही उसने चांडाल कुल में ही जन्म क्यों न लिया हो, यदि निरंतर उसकी जिह्वा पर हरिनाम का नृत्य होता रहता है तो तेपु तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली, सारे यज्ञों में आहुति दे ली, संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त वेदों का पारायण कर लिया, जिसने आपके नामों का प्रेम से संकीर्तन कर लिया, तेन सर्वं कृतं कर्म जालम, कर्म कांड को गोस्वामी जी ने जाल ही कहा। जाल में पड़ने के बाद निकलना बड़ा कठिन है, तो उसका सारा जाल से भी मुक्त हो गया। जिसने नामामृत का पान कर लिया, क्योंकि ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। इसलिए ऐसे पवित्र नाम को त्याग सब आस संत्रास भव पास असी निशित हरि नाम जपु दास तुलसी, निशित हरि नाम जपु दास तुलसी। तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं कि अहर्निश राम नाम का जप करो,
हरि नाम का जप करो। ये आज तीसरा दिन है, आज भी संतोष तो हमको पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज हमें पूरा करना ही था, इसलिए आज हमने इसे पूरा किया। कल भगवत कृपा से 47वें नंबर का पद होगा, बड़ा सुंदर पद है, ये भी बड़ा अद्भुत पद है। इसमें भी अपने मन से कह रहे हैं तुलसीदास जी, अरे मन, अपने भीतर मन मंदिर में बैठे हुए अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी की आरती उतारो। बाहर की आरती तो बहुत उतार ली और उतारते रहना भी चाहिए, लेकिन कभी भीतर भी आरती उतारा करो। भीतर की आरती कैसी? बोले ऐसी आरती, ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन, ऐसी आरती राम रघुवीर की करही मन। इस पद की चर्चा, बड़ी प्यारी आरती। और ऐसी आरती यदि हम लोग उतारना सीख जाएं तो हमारे सारे जीवन की आरती माने कष्ट दुख सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाएंगे। तो ये विलक्षण आरती का भाव भगवत कृपा से हम कल कहेंगे। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी अति अभिराम, जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम, जय जय राम, श्री वृंदावन बिहार लाल की, श्री कामधेनु गौ माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री घनश्याम दास बाबा की जय, जय जय श्री राधे।